और इधर हरियाणा के नतीजों से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो ना तो टायर्ड हुए हैं ना ही रिटायर्ड हुए हैं। सीएम पद पर चर्चा के लिए हुड्डा का ये बयान उनकी दावेदारी के तौर पर देखा जा रहा है। हुड्डा ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। मैंने कल भी कहा, आज भी कहा है, हरियाणा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया था। बहुत शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुआ है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। सर, आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, आप ना टायर हुए, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर? अभी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ, बोलो। और बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का यह बड़ा बयान सामने आया। दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इसके साथ ही हरियाणा के नए सीएम पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसके लिए कांग्रेस की अपनी एक प्रक्रिया है, कांग्रेस के नेतृत्व अपना अंतिम फैसला लेता है, शीर्ष नेतृत्व चुने हुए विधायकों के साथ बात करके ही निर्णय लेता है। किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी एक प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है, तो इसमें प्रक्रिया वही रहेगी और अंतिम निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा और हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए अपने विवेक से सही फैसला लिया गया। और हरियाणा के रिजल्ट से पहले कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। कल दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने उनके दिल्ली आवास पर पहुंचे। मतलब रिजल्ट से पहले कांग्रेस पार्टी में अगली रणनीति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और नेताओं के बीच मुलाकातों का सिलसिला भी तेज हो गया है। दीपक बावरिया हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है। कांग्रेस में तो सवाल ये मुख्यमंत्री का सवाल ये है कि विधायक विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमांड फैसला करे, जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। तो कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है, मुलाकातों का सिलसिला भी तेज हो गया है। हुड्डा से मिलने के लिए दीपक बावरिया पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं सीएम पद को लेकर दावेदारी भी एक के बाद एक सामने आ रही है। हालांकि फैसला आलाकमान लेगा ऐसा भी कहा जा रहा है। रिजल्ट से पहले बैठकों का दौर लगातार जारी है, कल चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे।